हेलो दोस्तों, आज हम हैं झांसी के नटराज सिनेमा के बाहर, जहां आज फिल्म गुठली लड्डू का पहला शो था। तो आइए जानते हैं आज लोगों से जिन्होंने ये मूवीज देखी हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये मूवी कैसी लगी। सर आप बताइए, सर आपको कैसी लगी मूवी? देखिए, इस फिल्म से एक सबक यही मिलता है कि लड्डू मत बलिए, गुठली बनिए, क्योंकि गुठली बनेंगे तो बीज से फिर वृक्ष बनेगा और वृक्ष से फल आएंगे। और इस बहाने ये फिल्म जाति व्यवस्था पर चोट करती है और शिक्षा व्यवस्था में फैले ऊंच नीच को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। एक बेहतरीन फिल्म बेहतरीन कलाकारों के साथ देखने का अवसर मिला, और गर्व है कि हमारे झांसी के आरिफ भाई इस फिल्म में ग्रे शेड की भूमिका में हैं। खलनायक तो नहीं कहेंगे उन्हें, ग्रे शेड की भूमिका में मैं कहूँगा। और संजय मिश्रा की फिल्म है तो स्वाभाविक रूप से बेहतरीन है। पटकथा बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं, फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, शॉट्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिए गए हैं, और जो भी लोकेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आरिफ भाई को और उनकी पूरी टीम को, विशेष रूप से इसके डायरेक्टर जो भी हैं खान साहब, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म निर्देशित की है। और इस फिल्म को हर बच्चे को दिखाया जाना चाहिए, और जितने भी हमारे समाज के संभ्रांत तथा कथित संभ्रांत लोग हैं उन्हें इस फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म हर दृष्टि से उत्तम है, और मैं ये कहना चाहूंगा कई दृश्य ऐसे हैं कि वहाँ लगता ही नहीं कि हम फिल्म देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे अपने लोगों के बीच की ये कहानी है, और उस कहानी को लाने के लिए आरिफ जी को बधाई। आरिफ जी हमारे झांसी क्षेत्र के हैं तो हमारे लिए गर्व का विषय है, और हम ये चाहेंगे कि इस फिल्म को यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, अवश्य देखें। सर आपको क्या लगता है पिक्चर बच्चों के लिए कैसी, कितनी जो है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी मूवी थी। इस मूवी में खास बात तेरी पुरानी सोच को लिया, इंटर के पहले इंटरवल के बाद नई सोच को लेके नया संदेश और नई शिक्षा दी गई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे भाई को बधाई। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन्हें मूवी कैसी लगी। मैम आपको कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, और थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर दे हम, स्कूल के बच्चों को जरूर आना चाहिए। हमारे आरिफ सर ने हमारी झांसी का नाम रोशन किया है, ये सभी लोगों को पता चलना चाहिए। और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत अच्छी मूवी है, तो एक दूसरे को बताएं और जरूर देखने आए। सर आप बताइए, यहाँ पे मूवी में जाति को लेकर के बहुत मतलब दिखाया गया है, इसको आपका क्या इस पे ओपिनियन है? देखिए, ये कुछ पुरानी प्रथाएं थी जिनको इस फिल्म के द्वारा दर्शाया गया है। हालांकि अब ये व्यवस्था पूरे देश में, आप तो लोग बहुत जागरूक हैं, सजग हैं, लेकिन पुरानी कुछ आप देख रहे होंगे, बहुत सारे सीरियल्स भी चल रहे हैं अंबेडकर जी की, उन्होंने भी कितना झेला और उसके बाद आज मतलब स्थिति को कंट्रोल में कर पाए, तो ये उसी के ऊपर एक फिल्म है। स्टोरी है बहुत शानदार, स्टोरी है अच्छा, अभिनय है लोगों का, और प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, लोगों को इसको देखना जरूर आना चाहिए। थैंक यू सर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे सर हैं। सर आप बताइए, सर आपको कैसी लगी मूवी? मूवी तो बहुत अच्छी है, और जैसे आजकल के समय में जो सिनेमा हमको देखने को मिल रहा है, इस सिनेमा को देख के लगता है कि एक सार्थक सिनेमा है। हालांकि इसमें जो मैसेज दिया गया है कि पढ़ाई सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे झांसी के आरिफ जी हैं हमारे, जो उन्होंने इसमें जो रोल किया है और वो सराहनीय है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ सर, मैं साकेत सुमन चतुर्वेदी। फिल्म बड़ी संवेदनशील है, हृदयस्पर्शी होने से शिक्षा के द्वारा सामाजिक जितनी भी बुराइयां हैं उनका उन्मूलन निदान और ऊंची उड़ान बच्चों को ये शिक्षा के माध्यम से देती है, और बहुत ही अच्छी है। आरिफ हमारे शहर के हैं और उनके लिए ये नए दरवाजे खोलेगी, निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं, गौरव है। बहुत बढ़िया फिल्म है, सामाजिक विषमताओं को फिल्मकार ने बहुत शानदार तरीके से संबोधित किया है, और ये फिल्म जो है मुझे लगता है लोगों को प्रेरित भी करेगी। ये कुरीतियों पर अच्छा प्रहार है और बहुत अच्छा मैसेज गया है इस फिल्म के माध्यम से। आरिफ जी को बधाई। तो आप लोगों ने देखा, सभी लोगों ने इस फिल्म को लेकर के एक पॉजिटिव रिव्यू दिया है। आप सब भी यहाँ ज़रूर आएं अपने परिवार और बच्चों के साथ, यह मूवी ज़रूर देखें। फिल्म का नाम गुठली लड्डू। थैंक यू।